हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। राधे राधे। मोहिनी एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मोहिनी एकादशी, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, मोहिनी, इस दिन जिस घर में भी लड्डू गोपाल होते हैं तो ज़्यादातर लोग लड्डू गोपाल का मोहिनी रूप में श्रृंगार करती हैं। तो लड्डू गोपाल का मोहिनी मतलब मन को मोहले ऐसा श्रृंगार किया जाता है। तो देखिए, आपको मेरे लड्डू गोपाल दिख रहे होंगे, मैंने मोहिनी रूप में ही श्रृंगार किया है। आपको लड्डू गोपाल का कैसे श्रृंगार करना है मोहिनी एकादशी वाले दिन, वही मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो देखिए, ये मेरे बड़े लड्डू गोपाल हैं, मैंने उनको मोहिनी रूप में तैयार किया है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने लहंगा लिया है इनके लिए। तो यहाँ मैंने ये लहंगा रेड कलर का लिया है। ये ब्लाउज है इनका, ये ब्लाउज मैंने खुद तैयार किया है। और देखिए, मोहिनी रूप बहुत ही अद्भुत होता है कि देखकर कोई किसी का भी मन मोहले। तो ऐसा मन मोहने वाला ही आज मैं श्रृंगार करूँगी। इसलिए यहाँ पर देखिए, मैंने हैवी ज्वेलरी ली है, सारी चीज़ें ही हैवी ली है मैंने। देखिए यहाँ पर ये मैंने छोटी गजरा लगाकर, देखिए वाइट कलर का गजरा तो सभी लगाती हैं, लेकिन मुझे कुछ अलग श्रृंगार करना है, इसलिए मैंने रेड कलर की लेस में रेड कलर का गजरा लगाकर चोटी तैयार की है, जिससे मेरे लड्डू गोपाल बहुत ही सुंदर रूप आएगा। और यहाँ पर लिया है मैंने बड़ा टीका। तो ये सारी चीज़ें ली हैं, और एक ये मैंने हेयर बिग अलग से लिया है, क्योंकि बड़े लड्डू गोपाल हैं तो इस तरीके से मैं उनके बाल लगाऊंगी, पीछे से मैं उनकी चोटी लगाऊंगी। तो देखिए, ये वाले हैं मेरे लड्डू गोपाल, इनको आज मैं तैयार करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं इस तरीके से देखिए खुला करके इनको लहंगा पहना लूँगी, और ऊपर ब्लाउज पहले मैं पहना लेती हूँ, फिर मैं दिखाऊँगी। यहाँ पर देखिए, लड्डू गोपाल ने लहंगा और ब्लाउज दोनों ही पहन लिए हैं। तो देखिए, इस लहंगा में ही कितना रूप आ गया है। अब सबसे पहले मैं इनका दुपट्टा सेट कर देती हूँ, उसके बाद ही हम श्रृंगार करेंगे। तो देखिए, ये इसके साथ का दुपट्टा है, आगे से पतली आप प्लेट बना लें। आपने जिस तरीके का भी कोई लिया है, बड़ा लहंगा, छोटा लहंगा, बहुत छोटे लड्डू गोपाल हैं तो मोहिनी एकादशी के दिन उनके लिए भी आप दुपट्टा अवश्य लें, दुपट्टे का श्रृंगार जरूर करें। तो यहाँ मैंने प्लेट बना ली है छोटी। अब मैं इनके कंधे पर देखिए, यहाँ पर ऐसे या तो आप पिन लगा दें या फिर धागे से टक कर दें। तो मैं यहाँ पर धागे से करूँगी, क्योंकि धागे से बहुत फिनिशिंग आती है। तो देखिए, यहाँ मैं एक सुई धागे से टांका लगा दूँगी। देखिए, लग चुका है। अब नीचे से यहाँ हम इस चुनरी को पीछे कमर में सेट करेंगे। तो यहाँ भी मैं एक टांका लगा दूँगी पीछे, देखिए मेरा हाथ है, यहाँ फिर से मैं एक टांका लगा दूँगी। तो यहाँ हो चुकी है ड्रेस रेडी, अब करेंगे श्रृंगार। तो यहाँ पहले मैं एक गले से लगा हुआ हार पहनाऊँगी। तो देखिए, इस तरीके से अब मैं पहनाऊँगी एक लंबा हार, क्योंकि मुझे एक अच्छा श्रृंगार करना है तो उसी को लेके मैं चल रही हूँ। तो यहाँ पहनाएंगे एक लॉन्ग हार। तो देखिए, ये मैंने पहना दिया है। इसके बाद एक माला है मेरे पास, जिस पर राधा कृष्ण बने हुए हैं, तो मैं तीन सेट रखना चाह रही हूँ, एक छोटा, एक उससे बड़ा और एक उससे बड़ा। तो देखिए, यहाँ पर मैं उसको भी पहनाऊँगी इस तरीके से, क्योंकि देखिए आपको मेरा लहंगा एकदम ब्राइडल लहंगा लग रहा होगा, उसी तरीके से मैं श्रृंगार कर रही हूँ। यहाँ हम बड़े वाले सेट के साथ के ही कानों के पहनाएंगे। तो यहाँ मैंने एक कान में पहनाया, अब दूसरा भी हम कानों में पहना लेंगे। कानों में अगर आप पहनाएं तो थोड़े लटके हुए पहनाएं, श्रृंगार थोड़ा हैवी करना है तो थोड़े हैवी पहनाएं कानों में। तो यहाँ अब मैं लगा दूंगी एक बड़े नग से बिंदी, और चेहरे पर भी मैं दोनों तरफ नग लगाऊंगी, और एक मैं थोड़ी पर भी नग लगाऊंगी। देखिए, इस तरीके से कितना सुंदर रूप आता जा रहा है। यहाँ पर भी हम एक नग लगाएंगे। आप चाहें तो जिस तरीके के लेना चाहें उस तरीके ले सकते हैं, मैं ड्रेस के साथ लेके चल रही हूँ सारी चीज़ें। तो देखिए, अब यहाँ मैंने इनके हाथों में कलिंगे पहना दिए हैं। मेरे गोपाल जी बड़े हैं तो सारी चीज़ें पहना सकती हूँ। यहाँ देखिए, इस तरीके से अब इसी की मैचिंग की मैं इनको चूड़ियाँ पहनाऊँगी। तो इस तरीके से मैंने चूड़ी का सेट तैयार कर लिया है, रेड कलर का ही। तो दोनों हाथों में हम लड्डू गोपाल को चूड़ियाँ पहना देंगे। अगर आपके लड्डू गोपाल छोटे हैं तो आप छोटे कंगन भी मार्केट में बहुत अच्छे मिलते हैं, वो पहना सकते हैं। वैसे मैं उनकी एक वीडियो शेयर करूँगी, एक बिहारी जी की भी करूँगी, तीनों वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए, इस तरीके से अब मैं साइड में एक नग चुपकाऊंगी इनके। देखिए, आपको दिख रहा होगा कितना सुंदर लग रहा है लगने के बाद। और इधर पहनाऊंगी मैं नथ, नथ में कंट्रास्ट में पहनाऊंगी, जैसे आजकल चल रही है। तो यहाँ मैंने ग्रीन कलर की नथ ली है, जिससे देखिए एकदम अलग रूप आ रहा है।
इसके ऊपर यहाँ पर मैं एक नग लगा दूंगी। अब मैं पहनाऊंगी इनको बाल, देखिए इस तरीके से बाल लगाऊंगी क्योंकि कवर हो जाएगा इनका सब माथा सारा। इसके बाद देखिए ये जो मैंने चोटी तैयार की है, आप ऐसे ऊपर से भी कर सकती हैं या पीछे से एक पिन लगाकर आगे की तरफ कर सकते हैं, लेकिन मैं ऊपर से करूँगी। यहाँ पर मैं एक क्लेचर लगा दूँगी, तो देखिए यहाँ क्लेचर लगाने के बाद चोटी आगे आ जाएगी, इस तरीके से आगे आ जाएगी। इसके बाद देखिए इनके चंद्रिका लगाना चाहते हैं आप, चंद्रिका लगा दें। मेरे पास इस तरीके की ज्वेलरी है तो मैं ये लगा रही हूँ। इसके बाद टीका सेट करेंगे, तो लड्डू गोपाल बड़े हैं तो बड़ा टीका लिया है, यहाँ टीका मैंने सेट कर दिया है। तो देखिए लड्डू गोपाल मोहिनी रूप में तैयार हो चुके हैं, कैसे लग रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखिए मोहिनी एकादशी पे जो मोहिनी रूप में श्रृंगार होता है उनके हाथ में, लड्डू गोपाल के हाथ में अमृत कलश जो होता है इस दिन ठाकुर जी पकड़े होते हैं। तो यहाँ आपके पास छोटा सा कोई कलश हो, मेरे पास इनके हिसाब से ये छोटा सा है, तो ये इनके हाथ में अमृत कलश पकड़ा दिया है क्योंकि जो मोहिनी रूप आता है वो पूर्ण रूप कलश के बाद ही आता है। तो देखिए यहाँ मैंने हाथ में कलश पकड़ाया है, उसके बाद ही मोहिनी रूप पूरा हुआ है। अब देखिए लड्डू गोपाल पूरे तैयार हो चुके हैं, अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मोहिनी रूप में तैयार कर दिए हैं। तो आप मोहिनी एकादशी वाले दिन लड्डू गोपाल को इसी तरीके से तैयार करें। तो देखिए हमारे लड्डू गोपाल कैसे लग रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। देखिए इस तरीके से अब मैं थोड़ा सा इनको थोड़ा सा और चेंज करके थोड़ा सा दिखाती हूँ। तो हमारे लड्डू गोपाल कितने प्यारे लग रहे हैं और आपको कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो ये हो गया है हमारे गोपाल जी का मोहिनी रूप तैयार, इस तरीके से आप भी तैयार करें अपने घर के ठाकुर जी को। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। मोहिनी एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मोहिनी एकादशी की सारी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगी।